सो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो ऑफिशियल स्पेस चैनल में। मेरा नाम है संजय। अब जो टाइटल में जो वीडियो देखा आप लोगों को फुल डिटेल के साथ में एडिटिंग करके भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो पे जुड़े रहना। तो चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इस वीडियो का जो मटेरियल इसको उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो क्राइम मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्रिएट न्यू टैब कर देना है। क्रिएट न्यू टैब करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं 9.16 को सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऐसा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा है, इमेज पे क्लिक कर देना है। तो इमेज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लैक कलर इमेज सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे निकल जाना है। ऐसे निकल जाने के बाद इसको क्या करना है, जो इमेज हो ब्लैक कलर इमेज को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, इसको टाइम लगा लेना है। ऐसे बढ़ाने के बाद इसको क्या करना है, 21 सेकंड तक करना, इसको थोड़ा सा टाइम ऐसे कर देना एक, इसको क्या करना स्टार्टिंग पार्ट पे आ जाना। तो स्टार्टिंग पार्ट के आने के बाद इसको क्या करना है, लेयर पे जाना। लेयर पे आने के बाद इसको मीडिया पे आ जाना। तो मीडिया पे आने के बाद इसको फ़ोटो ले लेना है, आपके हिसाब से कुछ भी एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। इस फोटो में सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है, फोटो में टैप करना। फोटो में टैप करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में, उसको फुल स्क्रीन पे कर देना है, ठीक है। उसको फुल स्क्रीन पे करने के बाद इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिडिल सेंटर पे कर देना है। फोटो को मिडिल सेंटर में करने के बाद इसको निकल जाना है ऐसे। तो निकल जाने के बाद इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है फोटो को, लास्ट पोजीशन तक आना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे आना जाए। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद इसको क्या करना है, लेयर पे आ जाना है। तो लेयर पे आके मीडिया पे आ जाना। तो मीडिया पे आने के बाद इसको क्या करना है, एक वीडियो दे देना है। इस वीडियो का जो मटेरियल इसको उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस वीडियो को क्या करना है, नीचे आने के बाद इसको क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है। तो फुल स्क्रीन पे करने के बाद इसको नीचे आ जाना है। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद ब्लेंडिंग मिल जाएगा, तो ब्लेंडिंग में आके स्कैन कर देना है। स्कैन करने के बाद इसको निकल जाना है। इसके बाद क्या करना है, ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद इसको ऑडियो को ऑफ कर देना है ऐसे। तो ऑफ करने के बाद इसको क्या करना है, फिर से लेयर पे आ जाना है। फिर से लेयर पे आने के बाद इसको मीडिया पे आ जाना है। तो मीडिया पे आके और एक डाउनलोड ले लेना, डाउनलोड वीडियो ले लेना। इसको वीडियो को सिलेक्ट करके ले लेना, उसके बाद नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके। इसके बाद क्या करना है, फुल स्क्रीन पे कर देना है। फिर से फुल स्क्रीन करने के बाद इसको नीचे आ जाना। तो नीचे आके ब्लेंडिंग मिल जाएगी, तो ब्लेंडिंग आके नीचे आके स्कैन कर देना है। स्कैन कर करके उसको क्या करना है, ऊपर आ जाना। ऊपर आके ऑडियो को ऑफ कर देना है ऐसे। ऑफ करने के बाद इसको क्या करना है, फिर से लेयर पे आ जाना है। तो लेयर पे आके मीडिया पे आ जाना है। तो मीडिया में आके और एक वीडियो ले लेना है। तो मीडिया में आके और एक वीडियो मिल जाए, तो इसको वीडियो में आके क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है। पहले फुल स्क्रीन में करने के बाद नीचे आ जाना है। तो नीचे आके ब्लेंडिंग में जाएगा, तो ब्लेंडिंग में स्कैन कर देना है ऐसे। तो स्कैन करने के बाद इसको ऊपर आ जाना है। ऊपर आके ऑफ कर देना है ऐसे। तो ऑफ करने के बाद इसे यहाँ से निकल जाना है। तो निकल जाने के बाद इसको क्या करना है, लेयर पे आ जाना है। लेयर पे आके यहाँ पे देख रहा है इफेक्ट, इफेक्ट में आ जाना है। तो इफेक्ट में आके यहाँ देख रहा है लेनार्ड मिक्स, मिक्स को इसको ओपन कर लेना है। इसको इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है, निकल जाना है ऐसे। तो निकल जाने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है सेटिंग पे क्लिक कर देना। तो सेटिंग में क्लिक कर देने के बाद पहले दिख रहा है फ्रेदार, फ्रेदार को थोड़ा सा हाई कर लेना है ऐसे। फ्रेदार को हाई कर लेना है ऐसे, ऐसे 56 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से निकल जाना है। निकल जाने के बाद जो इफेक्ट है इसको बढ़ा लेना है। इसको बढ़ा लेने के बाद उसको फर्स्ट पोजिशन पर आना है। उसको क्या करना है, इफेक्ट में टैप करना, उसको थोड़ी सी बढ़ा लेना है ऐसे। बढ़ लेने के बाद नीचे खिसक के नीचे सेट कर देना है ऐसे। सेट करने के बाद उसको क्या करना है, फिर से लेयर पे आ जाना है। तो लेयर पे आके मीडिया पे आ जाना है। तो मीडिया पे आने के बाद उसको क्या करना है, एक वीडियो दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को क्या करना है, इसको नीचे आके फुल स्क्रीन पे कर देना है। फुल स्क्रीन पे करने के बाद इसको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। इसको ब्लेंडिंग पे आके स्क्रीन पे कर देना है। इसको स्क्रीन पे करने के बाद यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। तो सॉन्ग जितना ही उतना ही सब रखना इमेज तक। इसको ब्लैक कलर इमेज को काट कर देना है, टैप करना। ऐसे कैंची मिल जाएगी, तो कैंची से ट्रिम टू राइट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो वीडियो है ब्लैक कलर का उसको भी काट कर लेना है कैंची से। उसके बाद जितना जो वीडियो है उसको काट कर लेना है फटाफट से, ऐसे काट कर लेना। इस फोटो को ऐसे एडजस्ट कर लेना, जो इफेड है इफेड भी ऐसे एडजस्टमेंट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है। फर्स्ट पोजिशन पर आकर उसको क्या करना है, लेयर पर आ जाना है। तो लेयर पर आके मीडिया पर आ जाना है। मीडिया पर आके ब्लैक कलर इमेज ले लूँगा,
इसको इमेज को टैप करना है। टैप करने के बाद उसको क्या करना है, यहाँ फुल स्क्रीन पर कर देना है। फुल स्क्रीन पर करके नीचे आ जाना, नीचे आके ब्लेंडिंग में आ जाएगा, तो ब्लेंडिंग में स्किन कर देना है। तो स्किन करके यहाँ से निकाल जाना है। उसके बाद क्या करना है, इमेज को बढ़ा लेना है ऐसे, अंत तक बढ़ा लेना है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट पोजिशन पर आके प्ले करके देखते हैं दोस्तों। तो ऐसा ही होगा वीडियो, तो वीडियो को एक्सपोर्ट करके दिखा देते हैं दोस्तों। ऐसे कोनार पे देख रहे हैं, एक्सपोर्ट में टैप करना है। एक्सपोर्ट में टैप करने के बाद उसके करना फेदर को हाई करके रखना। फेदर को हाई करके रखने के बाद उसके क्या 60 रहने देना। आपके हिसाब से 60 करके रख सकते हो, 50 रख सकते हो, तो 50 रहने देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको हाई करके रखना। इसको हाई करके रखना, सेव वीडियो टैप कर देना। सेव वीडियो टैप करने के बाद इसको वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। उसको थोड़ा टाइम देना है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों।